आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के लिए हरिद्वार लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही घाटों पर स्नान चल रहा है। गंगा दशहरा स्नान पर्व के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। हर की पौड़ी पर भारी भीड़ जमा है। निर्जला एकादशी कल है, वहीं स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां चाक चौबंद करने का दावा किया है। हर की पौड़ी पर कड़ी चौकसी रहेगी। हर की पौड़ी क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर की पौड़ी समेत आसपास के घाटों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। डीएम और एसएसपी ने स्नान पर्व पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि कोई अप्रिय घटना न हो। जो आने वाला गंगा दशहरा का त्यौहार है, इसको लेके 4 दिन तक अब लगातार यहाँ पे कोई ना कोई त्यौहार रहेगा या वीकेंड रहेगा। तो पूरे क्षेत्र को हमने 4 जोन में, 4 सुपर जोन में, 16 जोन में, 37 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया है। लेकिन राजस्व के अधिकारी और इंस्पेक्टर साइड के अधिकारी लगाए गए। इस समय करीब हमारे 500 से अधिक पुलिसकर्मी और 5 कंपनी पीएसी इस कार्य में लगाई गई। तो हमारा डाइवर्जन का प्लान है वो पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा हम डाइवर्जन को लागू करते हैं। मोटे तौर पर आज शाम को 3 बजे के बाद हम जो ट्रक्स वगैरह हैं इनको एंट्री नहीं देंगे, और ये कल एक बार जब ये स्नान पूर्ण हो जाएगा और आरती वगैरह पूर्ण हो जाएगी उसी के बाद हम इसको अलाउ करेंगे। डिफरेंट पार्किंग्स पे हमने पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स लगा दिया है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे हम जो हमारी और जो वैकल्पिक पार्किंग्स हैं उनको हम यूज करेंगे, और उम्मीद है कि सबके सहयोग से गंगा दशहरा का त्यौहार है ये सब। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से रामपाल सैनी की रिपोर्ट।